नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। गुलाब का पुष्प सभी देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय है। गुलाब के फूलों की सुगंध प्रसन्नता का आभास कराती है, लेकिन क्या आपको पता है गुलाब के फूल के टोटके आपको मुसीबतों से भी बचाते हैं, जिससे जीवन में खुशहाली आती है। जी हाँ, गुलाब के कुछ टोटके धन के साथ अनेक समस्याओं से भी राहत दिलाते हैं। आइए जानते हैं कि गुलाब के क्या चमत्कारी टोटके हैं। घर में बरकत हमेशा बनी रहे, इसके लिए मंगलवार के दिन लाल चंदन, लाल गुलाब व रोली एवं एक लाल कपड़े में बांधकर हनुमान जी को अर्पित करें। 7 दिन तक नियम अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ करें और 7वें दिन उस पोटली को घर की तिजोरी में रख दें। अगर कोई मनोकामना मांगनी है तो शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से हनुमान जी को 11 गुलाब के पुष्प अर्पित करें। इसे 11 मंगलवार तक नियम से करें और वह सुंदरकांड का पाठ करें। ऐसा करने से मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो शुक्रवार की शाम को लक्ष्मी जी को गुलाब का पुष्प अर्पित करें और श्री सूक्त का पाठ करें। गुलाब के फूल को घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। घर की सुख समृद्धि चली गई है तो 5 लाल गुलाब लें और एक सफेद कपड़े से चारों कोनों पर 4 फूल बांध दें। एक फूल कपड़े के मध्य में भाग में बांधकर उसकी पोटली बना लें। इस पोटली को बहते पानी में प्रवाहित कर दें। घर का कोई भी सदस्य लंबे समय से अगर बीमार चल रहा हो तो एक पान के पत्ते में गुलाब और पताशे रखकर रोगी के ऊपर से 7 बार उतारकर उसे जला दें। ऐसा करने से रोगी के स्वास्थ्य में लाभ होता है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।